हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंदु मालपणी। वेलकम टू माय चैनल इंदुज किचन। आज मैं बनाऊंगी पूरम पोली, जिसको हम चीना दाल की मीठी पूड़ी भी कह सकते हैं। पूरम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चीना दाल ली है। चीना दाल 1 कटोरी मैंने 2 घंटे पहले भिगोई और फिर कुकर में 2 सीटी लेकर उबाली है। पूरी उबल चुकी है, एकदम टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं चीना दाल के। इसी बाउल से मैं चीना दाल ली, उसी बाउल से मैं शक्कर ली। 1 बाउल बराबर शक्कर है इसके। और आटा मैंने नॉर्मल रोटी के जैसे गूंथ के रखा है, जैसे आटा गूंथ के रखा है। बारीक पिसी हुई इलायची पाउडर और मीठा कलर। अब इससे उबली हुई चीना दाल को मिक्सी के जार में डाल के एकदम आटा जैसा महीन पीसना है। यदि आपके पास पूरम पोली मशीन हो तो उससे कर सकते हो, नहीं तो मिक्सी से कर सकते हो। चना दाल को मैंने मिक्सी के जार में पीस दिया है, एकदम आटा जैसा हो गया है, मही मही एकदम। अब एक कढ़ाई में छोटे से 2 चम्मच घी डाल के रखा है गर्म करने के लिए। वो घी गर्म हो चुका है। अब चीना दाल को कड़े में डाल के, ज़्यादा नहीं मामूली से सेक के, इसमें शक्कर मिक्स करनी है। अब इसमें मैं शक्कर मिक्स कर दी है। अब अच्छी तरह से जब तक शक्कर पूरी मेल्ट ना हो जाए और ये तैयार पूरन एकदम गाढ़ा गाढ़ा ना हो जाए, तब तक इसको हिलाते रहेंगे। इसको गीला नहीं रखना है, एकदम गाढ़ा ही रखना है पूरा, ताकि जब रोटी बेले उस समय बाहर ना निकले। पूरन पोली एकदम बराबर बने अपनी। एक बार शक्कर मेल्ट हुई जो गीला हो गया, लेकिन उसको जब तक हिलाते रहेंगे जब तक पूरा गाढ़ा ना हो जाए। गैस धीमी आंच पे इसको चम्मच हिलाते रहेंगे। पूरी तरह से सख्त हो चुका है, सब पानी बिल्कुल नहीं है। अब पानी बिल्कुल रहना नहीं चाहिए इसमें। अब इसमें थोड़ा सा मीठा कलर, मामूली से चुटकी सा मीठा कलर और सुगंध इलायची डाल देंगे। इलायची डाल देंगे और मिक्स करके एकदम ठंडा कर देंगे। इसको चाहे तो आप एयर टाइट डब्बे में डाल के फ्रिज में रख सकते हो 5-10 दिन के लिए। आप जब इच्छा हो गर्म गर्म बना के खाइए, क्योंकि ठंडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, गर्म गर्म ही अच्छी लगती है। अब इसको गैस बंद करके रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब हम गैस पे तवा गर्म करने के लिए रख दिया, हल्का सा घी लगा दिया। अब रोटी की लोई लेके नॉर्मल रोटी जैसे रोटी बेलनी है पूरी। बेली हुई रोटी में ये पूरन आधे भाग में पूरन का मसाला फैला देंगे। आप चाहे तो इसे गोली बना सकते हो, आपको जैसा पसंद हो वैसे। आधे भाग में पूरन का मसाला फैला देंगे। मसाला थोड़ा गहरा लगाना, जो खाने में टेस्ट बने। और इसको वापस पलट के पानों को एकदम पैक कर देंगे ताकि मसाला बाहर ना आए। हल्के हाथों से दबाना है। हल्का साटा लगा के इसमें दोनों तरफ से हल्का साटा लगा देंगे। ज़्यादा नहीं बेलना, हल्के से ही बेलना है। अब इसको तवा गर्म हो चुके तवे पे रख देंगे। तो पहले से गर्म है इसलिए अब पलट देंगे इसको। हम आँच मीडियम कर देंगे, एकदम तेज भी नहीं धीमी भी नहीं, मीडियम। घी लगा देंगे अब। पराठा वापस पलट देंगे, दूसरी तरफ भी घी लगा देंगे। अभी पूरन पूरी दोनों तरफ से अच्छे तरह से सिक चुकी है। अब गैस धीमे करके तो प्लेट में ले लेंगे। इस प्रकार सारे पराठे बनाने हैं। आप चाहे तो नॉर्मल तवे पे बना सकते। अभी गर्मा गर्म पूरन पोली प्लेट में मैंने सर्व कर दिए हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।